कहते हैं कि हमारा देश उत्सवों का देश है। यहाँ हर त्योहार पर लोगों का उल्लास देखते ही बनता है और अब देश में एक और उत्सव की शुरुआत हो गई है। ये उत्सव है होली का, जो कि पूरे ब्रज मंडल में छाया हुआ है। कान्हा की नगरी मथुरा में होली का महोत्सव तो बसंत पंचमी से शुरू हो गया था, जिसका समापन 25 मार्च को होली के साथ होगा। फिलहाल तो पूरे ब्रज में राग रंग और मस्ती का ये त्योहार अपने चरम पर पहुंच चुका है। लग रहा है होली के रसिया गीतों पर लोग थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, कान्हा के रंग में रंग रहे हैं। ब्रज भूमि में आके अगर ये ना किया तो क्या किया, और यहाँ नहीं खोए तो कहाँ खोए फिर। इस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ही आनंद आता है यहाँ होली में। हर साल आते हैं हम होली में, बहुत आनंद आता है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ बहुत खुशी है, कुछ मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी लग रही है। मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर की ये तस्वीरें हैं। मथुरा के हर मंदिर की तरह यहाँ भी होली का उत्सव पूरे शबाब पर है। होली रसिया गायन की धुन पर श्रद्धालु पूरी मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। होली और ब्रज होरा, ये ब्रज जो है ये होली के नाम से मशहूर है, क्योंकि बसंत पंचमी से ब्रज में होली का डाड़ा गड़ जाता है और जगह जगह होली शुरू हो जाती है। हम द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद हैं, जहां होली के उत्सव में सभी श्रद्धालु मौजूद हैं। मैं राव अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह यहां श्रद्धालु होली का आनंद ले रहे हैं और भगवान की होली गाकर भगवान को होली के लिए ले जा रहे हैं। यह होली का जो उत्सव है ब्रज में 40 दिन चलता है और 40 दिन का जो उत्सव होता है ये अब अपने धीरे धीरे शुरू में आता जाएगा। जो ब्रज की होली है वो सबसे पहले 13 मार्च को साधु संत होली खेलेंगे, उसके बाद बरसाना में जलेबी और लड्डू की होली होगी, जिसमें भगवान को होली खेलने का निमंत्रण दिया जाएगा। उसके बाद लठमार होली होगी, लठमार होली के बाद दूसरे दिन नंदगांव में लठमार होली होगी, उसके बाद ब्रज में लगातार 26 तारीख तक होली होती रहेगी और इस होली का आनंद अपने आप में अलग है। श्रद्धालु यहाँ आकर सब शुद्ध भूल भगवान के साथ होली खेलने में मस्त हो जाते हैं। द्वारिकाधीश पुष्टिमार्ग संप्रदाय का प्राचीन मंदिर है, यहाँ बाल स्वरूप में ठाकुर जी की सेवा होती है। फागुन शुरू होने के बाद बसंत पंचमी के दिन से मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल लगाकर पूरे प्रांगण में गुलाल उड़ाया जाता है। इस अवसर पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं और होली के रसिया गीतों पर थिरकते हैं। पूरे ब्रज 84 कोस में ही आप समझिए कि बसंत पंचमी के दिन से होली के सभी कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं, क्योंकि मानता यह है कि सब जग होरी या ब्रज होरा। होरा से तात्पर्य यह है कि 45 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में होली के कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन पुष्टिमारक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ तिथि घड़ी पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन डाणा करता है और पड़वा के दिन से ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन प्रारंभ होता है। बसंत पंचमी के दिन से ठाकुर जी को अमीर गुलाल आता है, होलकाष्ठक प्रारंभ होते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को शुद्ध पिचकारी के टेसू के फूल के जो रंग होते हैं उनसे ठाकुर जी पिचकारी से होली खेलते हैं। इस दौरान ठाकुर जी एकादशी के दिन, जिसे रंगभरी एकादशी कहते हैं, पिचकारी से और कुंज में विराजमान होकर होली खेलते हैं। रास रंग और फाग की मस्ती बरसाना में भी छाई है, चारों तरफ रंग बरस रहे हैं। होली के रंग में रंगे लोग तरह तरह से होली का त्योहार मना रहे हैं। यूं तो पूरे ब्रज में होली का त्योहार 1.5 महीने से भी ज्यादा समय तक मनाया जाता है, लेकिन सबसे खास होली होती है बरसाने की और फिर उसके बाद नंदगांव की। बरसाने की लठमार होली और नंदगांव की छड़ीमार होली को देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ब्रज की रंग रंगीली होली का कोई मुकाबला नहीं। अबीर और गुलाल के साथ यहाँ भक्ति और आस्था की बयार जो बहती है। होली में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यहाँ रंगों के साथ कृष्ण भक्ति से सारा माहौल पूरी तरह रंग चुका है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आइए रुक करते हैं मथुरा का, जहां पर हमारी सहयोगी गुंजन इस वक्त मौजूद है। गुंजन, इस वक्त होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लोग ऑलरेडी रंगों में रंगे हुए हैं, कैसा माहौल है वहां पर?
बिल्कुल अदिति, माहौल बिल्कुल भक्तिमय यहाँ पर बन चुका है और होली की तैयारियां नहीं, यहाँ पर होली हो रही है पूरी। इस वक्त मैं राधा वल्लभ मंदिर में मौजूद हूँ जो बांके बिहारी मंदिर से चंद मिनटों की दूरी पर है, और यहाँ पर क्योंकि होली वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है तो जो दूर दूर से आने वाले सैलानी है वो इस मंदिर में जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं और आस्था का यहाँ पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है। ये लोग हैं जो उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं लोगों से भी सीधे बात करूंगी, कहाँ से हैं, कहाँ से हम लोग? कासगंज से हैं। कासगंज से? कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होली यहाँ पे, हम होली के टाइम पे फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं, शायद हमने होली पे भी इतना एंजॉय। मैं तो गोरखपुर से स्पेशली आई हुई हूँ होली खेलने और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। प्री होली सेलिब्रेशन बहुत अच्छे हैं। हम पंचकुला से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, हम 2013 से यहाँ पे आ रहे हैं। होली के रंग राधा वल्लभ जी के साथ, होली की मस्ती। काफी समय से हमें होली खेलने की इच्छा थी, आज पूरी हो गई। अच्छा, होली तो आप लोग खेल ही रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग नृत्य भी कर रहे थे, कृष्ण के लिए गीत भी गा रहे थे, तो आज ब्रज में होली रे रसिया तो बनता है। चलिए, यहाँ पर होली के ब्रज की होली अपने आप में निराली है क्योंकि यहाँ होली सिर्फ गुलाल की रंगों की होली नहीं होती, नटमार होली भी होती है और लड्डू की होली भी होती है, और जब होली का रंग कृष्ण भक्ति से जुड़ जाता है तो नजारा इतना ही खूबसूरत होता है। पूरे मंदिर का मैं चाहूंगी एक बार आप दृश्य देख ले, जो मंदिर के सेवायत है वो थोड़ी थोड़ी देर में राधा वल्लभ के दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं को मंदिर के पट खोल रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, या इसे भक्ति की भाषा में कहें तो राधा वल्लभ आंख मिचोली कर श्रद्धालुओं के साथ होली खेल रहे हैं। मंदिर के सेवायत गुलाल इन तमाम भक्तों पर डाल रहे हैं, हर तरफ जयकारे सुनाई दे रहे हैं और होली के रंग में चाहे लोग किधर से भी आए हो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जी, और गुंजन, एक तरफ होली के रंग, दूसरी तरफ भक्ति के रंग और तीसरी तरफ राधा रानी की भक्ति का रंग इन पर अच्छी तरह से चढ़ा हुआ है। देखिए, हर रंग कुछ कहता है होली के मौके पर, तो हम यही कहेंगे। और जो रंग और जो तस्वीरें आपके पीछे हैं ना, वो अभिभूत करती हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं। तो आज के प्रोग्राम क्या कुछ आगे रहने वाले हैं? जैसे आपने बताया लड्डूमार होली होगी, लटमार होली होगी, और क्योंकि आज तो अभी देखिए ये प्री बैश है, ये प्री होली सेलिब्रेशंस है, अभी तो 12 दिन बाकी हैं, तो क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, होली बहुत खास होने वाली है। अगर आप शेड्यूल की बात करें तो वैसे तो होली 17 तारीख से शुरू होगी और कल रमनदेती में होली होनी है जो कि गोकुल के पास है, वो होली भी एकदम अद्भुत होती है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। 17 को बरसाना में लठमार होली होगी, फिर 18 को लड्डूमार होली होगी, उसके बाद नंदगांव जाते हैं, और इसकी एक परंपरा भी है शगुफ्ता, परंपरा ये है नंदगांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बरसाने की जब गोरियां आएंगी तो आपको बचना कैसे है। वो ढाल की भी अपनी एक परंपरा है, पगड़ी की अपनी एक परंपरा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ होली रंगों का ये त्योहार नहीं है जो हम आम तौर पर मनाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ जो होली है वो आस्था की होली है, कृष्ण की होली है, राधा रानी की होली है, रासलीला की होली है, और इसीलिए ब्रज की होली सबसे ज्यादा अद्भुत नजर आती है और वो आप इन रंगों में देख भी सकती हैं। हर किसी के चेहरे पर एक खुशी और कृष्ण भक्ति का भाव है। आमतौर पर हम बाकी के जो शहर है, जो देश के अलग अलग हिस्से है, वहाँ होली के रंग पे हैप्पी होली बोलते हैं, और यहाँ पर अब हर किसी के मुंह से बांके बिहारी लाल की जय सुनेगी, राधे रानी की जय सुनेगी, और यही ब्रज की होली को इतना ज्यादा खास, इतना ज्यादा अद्भुत बनाता है शगुफ्ता। और मैं लोगों से बात करूंगी कि वो कैसा यहाँ पर आके महसूस कर रहे हैं, होली यहाँ पर हो रही है, आप लोगों ने मेरे को भी लगा दिया, कितना गुलाल लगाएंगे? हाँ, जितना लगा उतना कम है। और हम वृंदावन स्पेशली इसीलिए आए हैं होली खेलने, आज तक तो हमने सुना था
दादा परदादा, और आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम वृंदावन के पावन धरती पे आके और ये होली का आनंद उठा रहे हैं। आप? हम जयपुर गोविंद देव जी के यहाँ से आए हुए हैं। बहुत मजा आ रहा है इन भक्तों के बीच में होली खेलते हुए। कब तक रहने वाले हैं आप? जी हम बरसाना के रहने वाले, संकेत नंदगांव के। हाँ जी, नंदगांव की होली ज्यादा खास होती है या वृंदावन? दोनों जगह की होली खास होती है, दोनों जगह ही बहुत अच्छा मजा आता है। नंदगांव की ग्वालों को थोड़ी लाठियां भी पड़ती है तो वो कुछ आनंददायक ही होता है वहाँ का माहौल। अच्छा। और मैं लोगों से बात करूंगी, कहाँ से आप? इंदौर से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। सूरत गुजरात। रंग नहीं लगाया आपने मंदिर में, बिना रंग की कैसे है? भगवान के दरबार में, बाकी बिहारी के दर्शन। हाँ एकदम। गुंजन आप लगा दीजिए, इनको कलर थोड़ा सा आपके पास है तो। तेलंगाना से आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मजा है, राधे राधे। नहीं शगुफ्ता, मैं ये सोच कर आई थी कि मैं बिल्कुल भी अभी रंग में नहीं रंगने वाली हूँ, लेकिन ये मेरा विचार यहाँ आते ही ध्वस्त हो गया। मेरे पास रंग ना होते हुए भी लोगों ने रंग लगा दिया और मंदिर में रंग उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है, तो वो अपने आप ही मेरे ऊपर आ गया। और मैं लोगों से बात करूंगी और आपको यहाँ के रंग दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि भक्ति के रंग अद्भुत है और वो यहाँ साफ तौर पर हमें नजर भी आता है। देखिए ये आगे खड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अब रंग गुलाल उड़ना बंद हो गया है, भगवान के विश्राम करने का समय भी हो रहा है। बांके बिहारी मंदिर तो 12 बजे ही बंद हो चुका है और ये मंदिर भी अब से कुछ ही देर बाद बंद हो जाएगा, तो श्रद्धालुओं का बाहर की तरफ निकलने का सिलसिला जारी है। लोग अब प्रणाम कर रहे हैं राधा बल्लभ को और दर्शन करके अब बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। कहाँ से आप? फरीदाबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया, अच्छी लगती है ब्रज की होली के मुकाबले तो कोई होली नहीं है। इतना अच्छा लगता है, बस मन करता है कि यही रह जाए। इसकी होली जैसी होली नहीं और गालों पर गुलाल नहीं, ऐसा क्या? गुलाल नहीं, अरे यहाँ तो भाई प्रेम ही प्रेम है, बस भगवान के उसमें लीन हो जाते हैं सभी इंसान, आते ही भगवान के खेलने आते हैं, हर साल आते हैं। कब तक रुकने वाले हैं? नहीं हम तो चले जाएंगे, हाँ शाम को चले जाएंगे। तो पास के जो लोग हैं वो होली के रंग देखने के लिए आए हैं, वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। आप कहाँ से? सोनीपत से। कैसी लग रही है यहाँ पे होली? सबसे अच्छी यहीं पर है, और कहाँ हो सकती है वृंदावन से अच्छी होली कहाँ बन सकती है। कितनी देर गुलाल लगाया, लगवाया और उड़ाया? काफी देर हो गई है यहाँ पर, सोचा था फटाफट दर्शन करके कौन सा मंदिर है वहाँ पर आगे है जो निधिवन जाएंगे, पर जाने का मन ही नहीं कर रहा कि शाम को वहाँ चले जाएंगे। अभी वेट कर रहे हैं ओपन होने का कि हाँ कब ओपन होगा, कब में दर्शन होंगे, एक बार पट और खुल जाए और आप दर्शन। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस दौरान होली के उत्सव के आसपास एक तो वो भक्त जो मंदिर में दर्शनों के लिए लगभग डेली आते हैं, और एक वो भक्त जो खास करके होली खेलने के लिए आते हैं। ये बताइए कि आप अभी राधा वल्लभ मंदिर में मौजूद है, वहां का सबसे खास और मशहूर मंदिर है, इसके बाद जो है होली का जो त्योहार है आगे किस तरह से वृंदावन में बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मंदिर है, लोग हर मंदिर में मौजूद रहते हैं और इसी उत्साह और उमंग के साथ आते हैं कि होली खेलेंगे। बिल्कुल अदिति, देखिए होली में यूं तो अभी 12 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी जो बांके बिहारी की तरफ रास्ता आता है वो रास्ता अभी से खचाखच भर चुका है। तो आप ये मानिए आने वाले दिनों में जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आने वाले हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल जरूर होने वाली है, लेकिन बांके बिहारी बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं और इसी भाव के साथ इसी आस्था के साथ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। 12:30 बजे तक लगभग सभी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, शाम 4 बजे खुलते हैं। शाम के वक्त में यहाँ कोई होली नहीं होती है, लेकिन सुबह के वक्त द्वारिकाधीश मंदिर जो मथुरा में मौजूद है वहाँ पर होली इस वक्त देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बांके बिहारी मंदिर में होली होती है और ये राधा वल्लभ मंदिर होली के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और जितना भी हम सोशल मीडिया पर रंग देखते हैं बांके बिहारी के साथ वो ज्यादातर इसी मंदिर का होता है, क्योंकि यहाँ पर फूलों की होली का अलग दिन बनाया जाता है, गुलाल की होली जैसे आज यहाँ पर हो रही थी, और गुलाल के हर रंग के पीछे भी जो सिवायत है उनका भाव होता है। पीला रंग क्योंकि कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है इसलिए पीले रंग से अभी होली हो रही है, दिन का हिसाब होता है, ईश्वर क्या चाहते हैं उसकी मर्जी होती है, और उन्हीं के आधार पर जो पुजारी है, क्योंकि यहाँ पर होली होली नहीं है, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ होली आस्था है और इसीलिए उस आस्था के साथ रंगों को लगाया जाता है, और इसीलिए शायद दूर दूर से आने वाले रंग लोग
जी। एक ही रंग में डूब जाते हैं और वो है ब्रिज की होली, कृष्ण का रंग, राधा कृष्ण का प्रेम, सिर्फ यही यहाँ पर सुनाई देता है जी। राधा कृष्ण का रंग, राधा कृष्ण की भक्ति, उसी में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। और जैसे आपने श्रद्धालुओं से बात की ना, उन्होंने यही कहा कि हमने रंग नहीं लगाया लेकिन हम भक्ति में पूरी तरह से लीन है। वो बहुत सुंदर है, वो भाव बहुत सुंदर है। गुंजन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, ये सुंदर तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और चलिए अब बात खेल जगत की ही कर लेते हैं। ऋषभ पंत और उनके फैंस को होली से पहले ही एक गुड न्यूज मिल गई है। ऋषभ पंत मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें ऋषभ पंत को फिट घोषित कर दिया गया है। अब ऋषभ पंत आईपीएल में हिस्सा ले पाएंगे। करीब 14 महीने पहले एक हादसे में ऋषभ पंत जख्मी हो गए थे, उनका इलाज काफी लंबा चला। ऋषभ ने एक मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मैदान पर वापसी की। ऋषभ आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन के तौर पर खेलने उतरेंगे। बीसीसीआई ने 3 खिलाड़ियों के बारे में बयान जारी किया है लेकिन इनमें सिर्फ ऋषभ पंत को ही फिट घोषित किया गया। इस बयान में मोहम्मद शमी और कृष्णा को फिट नहीं घोषित किया गया। अब तक आपने हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती देखी होगी, उस भव्य और दिव्य पल के साक्षी भी आप बने होंगे। लेकिन अब आपको आस्था और अध्यात्म की उस अनुभूति के लिए काशी या हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब दिल्ली में भी उसी तर्ज पे भव्य यमुना आरती का आयोजन होने जा रहा है। आपने हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती तो जरूर देखी होगी। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि लोग इसमें खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। अब आपको ऐसे अविस्मरणीय क्षणों का आनंद लेने के लिए दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के वासुदेव घाट पर काशी और हरिद्वार की तर्ज पर ही महाआरती करने की तैयारी की जा रही है। यमुना नदी, जिसे भारत में माँ माना जाता है, यमुनोत्री से लेके प्रयागराज तक हर जगह यमुना की पूजा की जाती है, उसी यमुना की आरती अब राजधानी दिल्ली में हर संध्या को की जाएगी। जैसे हरिद्वार में, काशी में, ऋषिकेश में गंगा आरती होती है, वैसे ही एक कोशिश की गई है कि राजधानी दिल्ली के वसुदेव घाट में जो है वो हर संध्या यमुना आरती हो सके। दिल्ली में वासुदेव घाट पर भव्य और दिव्य यमुना आरती होगी। हर शनिवार और रविवार को होने वाली ये यमुना आरती ठीक वैसी ही होगी जैसे काशी के घाटों पर गंगा आरती हर रोज होती है। वासुदेव घाट पर होने वाली इस यमुना आरती के लिए डीडीए की तरफ से कवायद भी शुरू हो गई है। डीडीए की देखरेख में यमुना के वासुदेव घाट का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इसके पीछे मकसद साफ है कि यमुना नदी को उसकी असली पहचान वापस दिलाई जा सके। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और वहीं से यमुना को माँ मान के उसकी पूजा की जाती है। जब तक वो प्रयागराज नहीं पहुंच जाती, हर जगह यमुना को माँ माना जाता है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में जैसे गंगा की आरती की जाती है, वैसे ही अब राजधानी दिल्ली में यमुना की हर संध्या आरती की जाएगी। एक कोशिश की जा रही है जो यमुना जो दम तोड़ रही थी राजधानी दिल्ली में, उसकी एक बार तस्वीर फिर से बदली जाए, क्योंकि यमुना का स्थान लोगों के हृदय में माँ के समान है। माँ मान के यमुना की पूजा की जाती है, वैसे ही अगर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में यमुना की आरती की जाए तो ये कोशिश रहेगी कि अपनी माँ को दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार जो है फिर से पुनर्जीवित करेंगे। जैसे यमुना गंगोत्री में कलकल बहती है, वैसे ही यमुना जो है वो राजधानी दिल्ली में भी कलकल बहेगी, निर्मल यमुना का जल होगा। इसी उम्मीद के साथ जो है राजधानी दिल्ली में शुरुआत की गई है यमुना संध्या आरती की। वसुदेव घाट में हर रोज जो है वो यमुना आरती की जाएगी और एक कोशिश की जाएगी कि यमुना नदी जो राजधानी दिल्ली में दम छोड़ चुकी है वो एक बार फिर से पुनर्जीवित हो सके। कैमरा पर्सन शैलन कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात मुंबई को मिली नई रफ्तार की कर लेते हैं। मुंबई वासियों के लिए बैंड्रा वर्ली सी लिंक से मरीन ड्राइव तक कोस्टल रोड शुरू कर दिया गया है। घंटों का सफर अब मिनटों में तय हो रहा है और मुंबई के लोग वर्ली से मरीन ड्राइव महज 8 मिनट में पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसे मुंबई की नई लाइफलाइन के तौर पर भी देखा जा रहा है। कोस्टल रोड आम लोगों के लिए शुरू हो चुका है। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इस कोस्टल रोड पर ये हम जानेंगे। आप देखिए कि अब हम कोस्टल रोड पर एंट्री कर रहे हैं, वर्ली की तरफ से ये एंट्री कर रहे हैं कोस्टल रोड पर।
अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। और कोस्टल रोड बहुत इंपॉर्टेंट है आम लोगों के लिए, क्योंकि बैंड्रा वर्ली सीलिंग से जब आते हैं तो वर्ली से अगर जो आपको मरीन ड्राइव जाना है, नहीं तो भी आपको 45-50 मिनट्स लग जाएगा, लेकिन कोस्टल रोड बनने के बाद ये जो पूरा रास्ता है आप महज 10 मिनट में पूरा कर देंगे। अब हम कोस्टल रोड पर चढ़ चुके हैं, वर्ली का ये इलाका है और आप देखिए कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्या कुछ खास है इस पूरे कोस्टल रोड के अंदर, ये सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल, यानी कि ये थर्ड इंटरचेंज हम क्रॉस कर रहे हैं और अब जहां पर हम एंट्री कर रहे हैं ये है अपने इंडिया का, अपने भारत देश का सबसे पहला अंडर सी टनल। 3 किलोमीटर लंबा ये टनल है और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, अब मजा आने वाले। देखिए, यू आर एंटरिंग इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल बिल्ड बाय L&T, L&T का ये प्रोजेक्ट है। और अब देखिए, हमने टनल को एंट्री कर दिया है टनल के अंदर और मैं सच में आपको बता रहा हूं मजा आ रहा है मुझे, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। कुछ गाना जरूर बज रहा है, आपको शायद वो ना सुनाई दे, जय जय महाराष्ट्र ये गाना बजाया जा रहा है इस टनल के अंदर। स्पीड लिमिट है 60 की और अमेजिंग मजा आ रहा है मुझे यहां पर गाड़ी चलाते हुए। दूसरी अगर जो बात करूं तो हर 300 मीटर पर इस टनल में एक एग्जिट दिया गया है। देखिए, ये एक एग्जिट आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों में, हर 300 मीटर पर एग्जिट दिया गया है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी अगर जो बात करूं तो पूरे टनल में 2 ऐसे एग्जिट दिए गए कि आप कार भी लेके यहां से निकल सकते हैं, यानी कि 300 मीटर पे ऐसे एग्जिट है जहां पे आम लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इस टनल के अंदर 2 एग्जिट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर आप गाड़ी भी पूरी इस टनल से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे जगह हमने ऐसा देखा है कि टनल में कभी कभी आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट देना बहुत जरूरी है। तो इस टनल में 2 ऐसे एग्जिट है जहां से आप कार से बाहर निकल सकते हैं और हर 300 मिनट में अलग एग्जिट दिया गया है। जय जय महाराष्ट्र माझा ये गाना मैं सुन पा रहा हूं और एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त मजा आ रहा है और एक आम मुंबईकर के हिसाब से तो बहुत गर्व की बात है कि मुंबईकरों को इस कोस्टल रोड की सौगात मिली है। बस कुछ ही महीने पहले अटल सेतु मिला था जो सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज, और अब ये कोस्टल रोड। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि ये जो समंदर है, अरेबियन सी है, उस समंदर के बीच से इस वक्त हम जा रहे हैं, तो आप समझिए कि कैसा इंजीनियरिंग मार्वल है ये। और ये जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो आम लोगों को, आम मुंबईकरों को मिल रहा है। अभी साउथ बाउंड ट्रैफिक शुरू है, यानी कि वर्ली से लेके मरीन ड्राइव तक हम जा रहे हैं। बस 3 महीने की बात है और 3 महीने में आप मरीन ड्राइव से वर्ली आ पाएंगे और ट्रैफिक बहुत सिंपल हो जाएगा। चंडीगढ़ PGI में एक डॉक्टर ने लंबी हड्डियों को जोड़ने के लिए एक नई तकनीक इजाद की है। साधारण सी दिखने वाली ये पिन असल में हादसे के शिकार लोगों के लिए एक वरदान है। इस पिन की मदद से हड्डियों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। कैसे काम करता है ये पिन, इस बारे में PGI के डॉक्टर विशाल से बात की हमारे संवाददाता ललित शर्मा ने। मेरे हाथ में जिसे आप एक साधारण सी पिन देख रहे हैं, ये वाकई में बहुत कमाल की है और खास तौर पर जब एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिसमें लॉन्ग फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें ये काफी उपयोग में आती है। किस तरह से उपयोग में आती है ये जादुई पिन, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ PGI के ऑर्थो डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार जी हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये साधारण सी दिखने वाली पिन इतनी कमाल की कैसे है, कैसे हम जादुई पिन कह सकते हैं? जी, इसको बिल्कुल हम जादुई पिन कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास मरीज आते हैं या किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास मरीज जाते हैं, बेसिकली वो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के लिए जाते हैं। लॉन्ग बोन का मतलब ये थाई बोन और लेग बोन, मोस्टली यही फ्रैक्चर होने के चलते मरीज आपके पास, डॉक्टर के पास आता है इलाज कराने के लिए। पहले जब मरीज आते हैं तो जो पिन यूज होता था वो ये है, जिसको हम स्टिनमैन पिन के नाम से जानते थे। ये पिन को अंदर जो फ्रैक्चर है उसके डिस्टली उसके बाद हम डालते हैं। डाल करके उसके 4 फायदे हैं, एक तो है कि हड्डी को सीधा करना, दूसरा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना,
तीसरा मसल स्पाज़म जो मरीज दर्द में है उसको कम करना, और चौथा मरीज को किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना या एक हॉस्पिटल में ही दूसरे ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसपोर्ट करने की के लिए ये यूज होता था। सीधे तौर पर ये छोटी सी दिखने वाली पिन है, इसके फायदे बहुत है, और खास तौर पर जो पेशेंट ट्रॉमा से गुजरता है, खास तौर पर जिसके काफी ज्यादा चोटें लगी होती उस समय, उस दर्द के एहसास को कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उसको समझते हैं और उसी को लेकर ये जो इनोवेशन है वो किया गया है। आने वाले दिनों में ये जो इनोवेशन है मरीजों के लिए काफी कारगर साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।